हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मर ऑर्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑर्क्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन टॉपिक ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी कि जो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी के लाइक आपने नाम सुने होंगे कि एफ है उसके बाद सी को है उसके अलावा टी जी ए फिर अनवीसा जो हम कहते हैं तो ये है अलग अलग ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज़ कि मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट एजेंसी की जो शॉर्ट फॉर्म उसका बनेगा एम एच आर ए फिर यूरोपियन मेडिसिंस एजेंसी की जिसको हम ई एम ए कह सकते हैं तो ऐसी अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसीज होती है अलग अलग कंट्रीज़ की तो उसके बारे में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम के लिए जो मोस्ट आई है वो सभी को हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल बी फॉर्म एम फार्म इन फार्मास्यूटिक्स पी एच डी प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स परसुइंग द पी एच डी गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात इंडिया सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी के सपोर्ट के कारण फार्मर ने अपने एक लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं सो थैंक यू फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स के कारण फार्मर को फार्मरऑक्स द वे ऑफ सक्सेस की जो सिल्वर बटन यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड है वो यूट्यूब के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है YouTube क्रिएटर अवार्ड से तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है सो अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मा रॉक्स फार्मारॉक्स का स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑफ फार्मा रॉक्स के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है तो डाउनलोड करिए ऐप फार्मा रॉक्स अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड करें अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पे भी ये ऐप को आप एक्सेस कर सकते हैं तो जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर एक्सेस करने को मिलेंगे तो लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो जरूर से चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है कि यू एफ ए कि जो यूएसए का ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है उसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है द यू एस एफ डी ए हेड क्वार्टर्स लोकेटेड एट विच प्लेस ऑप्शन सिल्वर स्प्रिंग वॉशिंगटन न्यूयॉर्क और टैक्सास कहाँ पे यू एस एफ डी ए का हेड क्वार्टर्स है काफ़ी आई एम पी क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग ऑप्शन ए सिल्वर स्प्रिंग उसका करेक्ट आंसर है तो यूएसएफडी का हेडक्वार्टर आपको अच्छे से याद रखने के कहाँ पे उनका हेडक्वार्टर्स अवेलेबल है तो जान लेते हैं अब यूएसएफडी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर कि एफ डी ए यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये उसका फुल फॉर्म है यूएसएफडी द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो है उसका शॉर्ट फॉर्म एफ और यूएसएफडीए एफ डी ए फेडरल एजेंसी ये खास ध्यान रखिए फेडरल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेस यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के यूनाइटेड स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसका कि जो यू एस गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज तो उसका जो डिपार्टमेंट है उसका ये एजेंसी है स्पेशली यू एस एफ डी है कि जो मेडिसिन uh, को अप्रूवल करने का काम करता है अक्रॉस द यू एस ए तो उसका जो हेडकोार्टर्स है सिल्वर स्प्रिंग मेरीलैंड यूनाइटेड स्टेट तो ये है उसका हेड क्वार्टर तो यू का, का काम हम सबको पता है कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, का काम करता है कि मेडिसिंस या फिर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अप्रूवल करने का जो मेन काम होता है वो ये ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज होती है कि किसी भी स्टेट किसी भी कंट्री का हम देखें तो सभी कंट्री के अंदर जो मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन के जो अप्रूवल के ऊपर जो कंट्रोल होता है कि समझो कि यू एस एफ डी ए का समझो कि अप्रूवल है तो ही वो मेडिसिनस यू एस के मार्केट के अंदर सेल हो सकती है डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है और वहाँ के मार्केट के अंदर वो अवेलेबल होगी वैसे ही अलग अलग जो कंट्रीज़ है सभी कंट्रीज़ के अपनी ये रेगुलेटरी एजेंसीज़ होती है रेगुलेटरी बॉडीज़ भी कहा जाता है उनको कि जो स्पेशली मेडिसिनस के अप्रूवल का, का काम करती है और जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडस्ट्री है उसको वो कंट्री के अंदर समझो कि अपना प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है मार्केटिंग करना है और उनको डिस्पेंस करना है तो जरूरी रहता है अप्रूवल ऑफ यू एस एफ डी ए तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि दिस इज़ अबाउट द यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जिसको हम यू एस एफ डी ए कहते हैं आगे सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर थ्री ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ कंट्री ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी का नाम क्या है ऑप्शंस दिए हैं टीजीए, एमसीसी, एमएचआरए और अनवेसा तो करेक्ट आंसर है ये एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर फर्स्ट टीजीए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीए ऑस्ट्रेलिया के जिसका फुल फॉर्म सबसे पहले समझिए टीजीए का टी फॉर therapeutic g for goods and a for administration that's for tga it stands for therapeutic and good goods administration is the regulatory body for therapeutic goods including medicines and medical devices gene technology and blood products in australia किस यूजली जो हम कहे कि जितने भी थेरापिटिक गुड्स है कि जिसके अंदर मेडिसिन भी आ गए मेडिकल डिवाइस भी आ गए जीन टेक्नोलॉजी का है ब्लड प्रोडक्ट्स है तो वो सभी के जो प्रॉपर कंट्रोलिंग के लिए रेगुलेशंस के लिए जो गवर्निंग बॉडी जो हम कहे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के अंदर में कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और उसका है थेरापिटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये टी है वो मेडिसिन के ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन रखेगा और जो मेडिसिन के अप्रूवल की हम बात करें मेडिकल डिवाइसेस की बात करें जीन टेक्नोलॉजी सभी का रेगुलेशन की जो रेगुलेटरी बॉडी है मेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फॉर ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ कंट्री यूनाइटेड किंगडम ऑप्शंस दिए हैं टीजीए MCC, MHRA और अनवेसा तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी MHRA। तो यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके भी हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम तो यूके का जो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है मेन वो है MHRA। कि MHRA, दैट इज यूके और यूकेडक्वार्ट लंडन के अंदर है तो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी यह पूरा उसका फुल फॉर्म है एम फॉर मेडिसिन एच फॉर हेल्थ केयर आर फॉर रेगुलेटरी एंड ए फॉर एजेंसी तो एच फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आर फॉर रेगुलेटरी एंड ए फॉर एजेंसी तो एम एच आर ए तो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी इज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर इन द यूनाइटेड किंगडम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंसरिंग दैट मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइज वर्क एंड आर एक्सेप्टेबली सेफ तो मेनली यहाँ पे ध्यान रखा जाता है सेफ्टी का कि जो भी कोई मेडिकल डिवाइसेस हैं मेडिसिन हैं, या फिर उसके रिलेटेड जो कोई वर्क है तो वो हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो कैसा होना चाहिए एक्सेप्टली सेफ कि जो प्रॉपर सेफ़ प्रैक्टिस हो मेडिसिनस के बारे में तो मेडिसिन हो या मेडिसिन डिवाइस तो एम एच आर ए का जो मेन काम है ये सभी के ऊपर प्रॉपर रेगुलेशंस करने का उनको प्रॉपर जो हम कहें तो उसके अंडर में प्रॉपर इंस्पेक्शन रहेगा सुपरविजन रहेगा ड्रग रेगुलेटरी बॉडी की जो एम एच आर ए है यूके की तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन उसका भी हेडक्वार्टर है लंडन के अंदर तो ये आपको जरूर से याद रखना है रिगार्डिंग एमएचआर दैट इज ए यूके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव ऑल मेडिसिन सोल्ड इन साउथ अफ्रीका मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय द टी जी एम सी सी एम एच आर ए और अनवेसा कि जो साउथ अफ्रीका है साउथ अफ्रीका के अंदर जितनी भी मेडिसिन का आ, को बेची जाएगी तो उनको कौन सी रेगुलेटरी एजेंसी से प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या फिर ऑल मेडिसिन सोल्ड इन साउथ अफ्रीका मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी तो उसका सही आंसर है एम तो ये खास आई क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट आई हम कहेंगे तो एम को आपको अच्छे से याद रखना है फॉर साउथ अफ्रीका तो हेल्थ की जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हम कहे साउथ अफ्रीकन नेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर साउथ अफ्रीकन नेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका की एम का फुल फॉर्म सबसे पहले तो समझिए एम मींस मेडिसिन सी फॉर कंट्रोल एंड अनदर सी इज फॉर द काउंसिल द मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल इज ए स्टेच्यूटरी बॉडी दैट रेगुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिनस एंड मेडिकल डिवाइिज फॉर यूज इन स्पेसिफिक डिज इन साउथ अफ्रीका एंड इट्स हेड क्वार्टर सेट प्रिटोरिया इन साउथ अफ्रीका तो जो मेडिसिन प्रोडक्ट है जितनी भी साउथ अफ्रीका के अंदर रजिस्ट्रेशन uh, उनका होना चाहिए अंडर द एम सी सी एज वेल एज़ जो मेडिकल डिवाइज हैं फिर आपको कोई क्लिनिकल ट्रायल्स वहाँ पर कंडक्ट करने हैं तो सभी के लिए जो प्रॉपर एक बॉडी हम कहें कि जो प्रॉपर रेगुलेट करती है ये सभी चीज़ उसको कि नॉट ओनली ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स बट ऑल्सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइज फॉर यूज इन स्पेसिफिक डिजीज इन साउथ अफ्रीका तो एमसीसी इज इक्वल टू साउथ अफ्रीका आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए और एमसीसी का फुल फॉर्म एम फॉर मेडिकल सी फॉर काउंसिल एंड अनदर सी फॉर काउंसिल मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल एमसीसी ऑफ ए साउथ अफ्रीका क्वेश्चन नंबर सिक्स अनवि इज द हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑप्शन ब्राजील यू ए ईरान और रसिया सो राइट आंसर फॉर दिस एम सी क्यू इज ब्राजील सो हियर इज द फुल फॉर्म ऑफ अन्विसा सबसे पहले यह समझिए आप उसका जो फुल फॉर्म है कि ए एन वी आई एस ए जो हम लिखते हैं अनविसा तो ए फॉर एजेंसिया एन फॉर नेसियोनल वी फॉर विजिलिय विजिलियंसिया ऑल्सो आई फॉर वी आई का जो वी आई है यहाँ पे आ गया और एसे सैनिटारिया तो दैट इज अनविसा तो अनविसा ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी in portuguese it is a agencia nacional de vigilancia sanitaria is a regulatory body of brazilian government and a headquarters located in the federal district of brazil तो ये अच्छे से आपको याद रखना है अनविसा के बारे में काफ़ी most आई question हम कहे तो उसका एक आप तो हेडक्वार्टर याद रखिए, उसके अलावा उसका जो फुल फॉर्म है और उसका जो मेन रेगुलेटरी एजेंसी कहाँ की है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि ऑफ ए ब्राजील नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन एम एल एम एच एल डब्ल्यू इट मीनस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबल एंड वेलफेयर ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जर्मनी यू ए जापान और रसिया तो क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग एम एच एल डब्ल्यू एम एच एल डब्ल्यू की जो रेगुलेटरी एजेंसी है जापान की तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम एच मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एल डब्ल्यू मीन्स लेबर एंड वेलफेयर इन जापान द मिनिस्ट्री प्रोवाइड रेगुलेसन ऑन मैगजिम रेसिड्यू लिमिट फॉर एग्रीकल्चरल कैमिकल्स इन फूड बेजिक फूड एंड ड्रग रेगुलेशर फूड फूड एडिटिवस एक्सेट्रा तो ये जो है मैक्मम रेसिड्यू लिमिट फॉर एग्रीकल्चर कैमिकल्स इन फूड बेजिक फूड एंड ऑल्सो द ड्रग रेगुलेशन तो ये सभी काम करती है एम एच एल डब्ल्यू इन जापान और उसका जो क्वार्टर से टोक्यो के अंदर है इन जापान तो ये आपका मेन एम सी क्यू का एक और पिन पॉइंट बन सकता है कि एम एच एल डब्ल्यू का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है जापान के अंदर तो वो है टोक्यो के अंदर क्वेश्चन नंबर एट फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी पीएमडीए ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्री जर्मनी यू जापान और रसिया तो उसका सही आंसर है जापान तो पी एम के जिसका फुल फॉर्म है पी फॉर फार्मास्यूटिकल्स एम फॉर मेडिकल डी फॉर डिवाइस एंड ई फॉर एजेंसी ऑफ जापान तो द फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी इज ए जापानीज गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर इन द फंक्शन ऑफ एफ डी ए इन द यूनाइटेड स्टेट की जैसे एफ डी ए का जो काम है सेम काम करता है पी एम डी ए की जिसका भी हेडक्वाटर्स है टोक्यो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है लेबर एंड वेलफेयर उसी के सिमिलर काम है कि वो भी फूड रिलेटेड काम करता है साथ में ये पीएमडीए भी एफडीए की तरह काम करेगा का। और दोनों कंबाइन होके जो मेडिसिन मेडिकल डिवाइस सभी के जो कंट्रोलिंग का काम जो है वो जापान के अंदर करते हैं तो ये है खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पीएमडीए का एक तो फुल फॉर्म आप याद रखो अच्छे से और वो कहाँ का प्रॉप वो कहाँ पे रेगुलेशंस करता है जापान के अंदर उसका क्वार्टर क्वेश्चन नंबर नाइन स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जिसको एस एफ डी ए कहा जाता है स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री न्यूजीलैंड यूएई, चाइना और रसिया तो इसका सही आंसर है चाइना तो एस एफ डी ए स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने हाईलाइट किया स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एस एफ डी ए इन चाइना द चाइना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पहले द चाइना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सी एफ डी ए वॉस founded on the basis of the former state food and drug administration in march 2013 the regulatory body was rebranded and restructured as the china food and drug administration elevating it to ministerial level agency headquarters in beijing china तो एस एफ डी ए अभी लेटेस्ट 2013 के बाद चाइना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है बट उससे पहले स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन था और उसको रिवाइज करके रीब्रांडेड किया गया उसको एंड उसका फिर से रिकंस्ट्रक्टन किया गया और अब उसका जो नाम है वो है चाइना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और उसका हेड क्वार्टर से बीजिंग चाइना के अंदर क्वेश्चन नंबर टेन ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ इंडिया टी जी ए सीडेस्को एम एच आर ए और अनविसा तो ये क्वेश्चन को सभी को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी जो है वो है सीडेस्को सीडेस्को का फुल फॉर्म आपको खास याद रखना है सी फॉर सेंट्रल डी फॉर ड्रग्स एस फॉर स्टैंडर्ड सी फॉर कंट्रोल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस एंड इन न्यू दिल्ली इंडिया कि ये है उसका ऑफिशियल लॉगो आप देख सकते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडेस्को जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में रहेगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कि भारत सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ कहते हैं हम उसी के अंडर में ही ये को और पूरे भारत के अंदर जो मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस का जो रेगुलेटरी बॉडी हम कहे तो वो है को क्वेश्चन नंबर इलेवन के एफ डी ए ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री न्यूजीलैंड कनाडा कोरिया और रसिया तो उसका सही आंसर है कोरिया तो के एफ डी ए मतलब कि कोरियन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो कोरिया की ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है तो ये एक समरी हमने बनाई है वो जरूर से याद रखिए आपके यूएसएफडीए एफ डी ए की जो यूएसए का है ई एम ई ए की जो यूरोपियन है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन की जो आईसीएच का फुल फॉर्म है एम एच एल डब्ल्यू जापान सीडेस्को इंडिया एम एच आर ए यू टी जी ए इन ऑस्ट्रेलिया एम सी सी साउथ अफ्रीका अनविसा की जो ब्राज़ील एस एफ डी ए की जो अभी चाइना फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है स्विस मेडिक की जो स्विट्जरलैंड के अंदर के एफ डी ए कोरिया कोरिया फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एम ओ एच श्रीलंका के अंदर और हेल्थ कैनेडा इन कैनेडा तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी खास ये समरी आप याद रखिए कि ये जो पूरी समरी अच्छे से आपके रिकॉर्ड बुक के अंदर भी आप लिख लीजिए अच्छे से पी भी जापान रहेगा वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया क्वेश्चंस के अंदर स्विस मेडिक्स स्विट्जरलैंड के एफ डी ए कोरिया एम ओ एच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ श्रीलंका हेल्थ कैनेडा फिर आई सी एच के बारे में मैं आपको बता दूँ थो थोड़ा कि आई की जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन की जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है फार्मास्यूटिकल्स के अंदर के टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज कि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की जो हम कहते हैं कि आई की जो गाइडलाइंस होती है वो फॉलो करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप करते कि जो फार्मास्यूटिकल्स uh, जो है वो ह्यूमन यूज़ के लिए किस तरह से यूज़ करें इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है और उसी के लिए जो गाइडलाइंस बनाई जाती है आई की तो ये टॉपिक पे हम एक डिटेल में आपके लिए ज़रूर से वीडियो लेक्चर जनरेट करेंगे बनाएंगे कि जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा तो इट इज़ एन इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स टुगेदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू डिस्कस साइंटिफ़िक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के जो हम कहे डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं तो आई जो है वो अपने स्टैंड पे है साथ ही वो जो है वो ज्वाइन होता है अलग अलग कंट्रीज़ की रेगुलेट्री एजेंसीज के साथ या फिर वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ के साथ और कम्बाइन वो काम करके प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट है उसके अलावा उनके अंदर जो इनोवेशनस है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो सभी को अच्छे से ये आई जो प्रोवाइड करते हैं उसके रिलेटेड वो अलग अलग गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है और उसी गाइडलाइंस को फॉलो करके जो ह्यूमन यूज़ के लिए जो हम फार्मास्यूटिकल्स मार्केट में अवेलेबल करवाते हैं तो वो एक आई की क्वालिटी भी उनको रहती है कि आई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टू जब आप काम करते हैं तो वो एक अलग ही उसका एक स्टैंडर्ड बनेगा और वो स्टैंडर्ड ही प्रॉपर ब्रांड जो है वो अप करता है तो ये है आई जरूर से एक सेपरेट लेक्चर बनेगा तो टिल देन व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है फार्मरस का आपका नाम लिखिए सिटी नेम लिखिए व्हाट्सएप करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए फार्मा नॉलेज के लिए और सेम नॉलेज आपको रॉक्स की ऐप ऊपर से मिलेगा कि जो रहेगा इन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ स्टडी मटेरियल एज वेल एज द प्रिंटेड मटेरियल तो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर वगैरह आप एक्सेस कर पाओगे फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर भी तो अभी डाउनलोड करिए फार्मरॉक्स अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करिए और अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल स्टोर पर से आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो ज़रूर से लिंक को चेक करिए सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट